ये नशेड़ी पति हर रोज की तरह आज भी नशे में झूमते हुए देर रात को घर आता है तो इनकी पत्नी इन्हें खाना देकर जैसे ही बोलती है कि रूम रेंट और स्कूल फी न देने के वजह से बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है, वैसे ही अपने मुंह में रखा खाना बाहर फेंक कर सो जाते हैं, जिसके अगले दिन ये अपना झुमका बेचकर रूम रेंट और स्कूल फी देती है, जिसके बाद हर महीने रूम रेंट और स्कूल फी देने के लिए झगड़ा होने लगता है। तो हर महीने ये पत्नी अपने घर का एक एक सामान बेचकर रूम रेंट और स्कूल फी देने लगती है, और अंत में जब घर में कोई सामान नहीं बचता तो ये खुद एक कंपनी में काम करके देखते ही देखते में घर के सारे सामान खरीद लेती हैं, जो देख इनके पति के इन पे शक होने लगता है। और एक दिन जब इनका पीछा करता है तो देखता है कि एक लड़के के साथ बाइक पे बैठकर एक कंपनी में आती हैं, और शाम को होटल में नाश्ता करके कपड़े के दुकान से कपड़ा खरीद कर जैसे ही अपने घर आते हैं वैसे इनका पति चिल्लाते हुए काफी बुरा भला बोलने लगता है। तो ये भी चिल्लाते हुए अपने पति को बोलती है कि आज तुम कान खोल कर सुन लो, या तो तुम मुझे तलाक दे दो और नहीं तो चुपचाप पूरे घर का खर्चा संभालो। जिसके अगले दिन से ये पति काम करके अपने घर का खर्चा संभालने लगता है। दोस्तों, इस महिला के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।